मध्य प्रदेश के धार की बात करते हैं, जहां प्रदेश सरकार की नाकामियों को लेकर बीजेपी की ओर से धिक्कार आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में भाजपाइयों द्वारा जमकर कमलनाथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। भाजपा का धिक्कार आंदोलन, रैली निकाल घेरा कलेक्ट्रेट, भाजपा कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक निकाली पैदल रैली, बोले कांग्रेस की झूठी सरकार, राहुल गांधी और कमलनाथ के खिलाफ लगाए नारे। भारतीय जनता पार्टी ने धिक्कार आंदोलन किया। उद्देश्य था प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाना। भाजपा ने जिला भाजपा कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक धिक्कार रैली निकाली। कलेक्ट्रेट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट में पहले गेट पर सभी को रोक लिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। गेट पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने कहा कि पूरी तरह से झूठ का माहौल बनाया जा रहा है, झूठी घोषणाएं की जा रही है, तबादला मचा रखा है। सिर्फ एक ही काम हो रहा है, लोगों का तबादला, और सिर्फ तबादला। किसी को 10,000 तो किसी को 5,000 को मैसेज आ रहा है। सूची भेजी जानी थी, वह अभी तक नहीं भेजी गई। अभी कमलनाथ कह रहे हैं कि वो परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक किसान का 3 लाख का कर्जा था, लेकिन 12,000 का प्रमाण पत्र मिला है। एनओसी नहीं दी जा रही, सब कर्ज को लेकर झूठी बातें की जा रही। वर्मा ने आरोप लगाया कि गोलियां चल रही हैं, अराजकता का माहौल बना हुआ है। जिले के 2 मंत्री हैं, लेकिन दोनों मंत्रियों के क्षेत्र में डकैती हो रही है। पुलिस प्रशासन फेल है, क्योंकि उन्हें तबादले का डर है। वे सामान बांध के रहते हैं, डर लगता है कब उनका तबादला हो जाएगा। सांसद ने कहा कि कमलनाथ झूठी बातें कर रहे हैं, कोई वादा पूरा नहीं किया है। सरकार सिर्फ अधिकारियों के तबादलों में लगी है, ये सरकार तबादला सरकार हो गई है। पूर्व विधायक रंजना बघेल ने कहा कि छात्रावास में बच्चों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई। वहीं आवास योजना का पैसा भी नहीं डाला जा रहा, जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 73 दिनों में उन्होंने 54 वचन निभा दिए हैं, जो लोगों को भ्रमित करने वाले बयान है। भाजपा जिलाध्यक्ष राज बर्फा ने कहा कि सरकार को प्रदेश की जनता की कोई चिंता नहीं है। बहरहाल कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की गई, लेकिन अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की ओर से बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। धार से CMN न्यूज के लिए दिनेश मीनारा की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में आज सभी जिला मुख्यालयों पर यह कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया कि जो सरकार ने, कांग्रेस सरकार कमलनाथ ने चुनाव के पूर्व और राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये शब्द है मेरे पास, सारे अखबारों के उस दिन की कटिंग है कि सभी किसानों के कर्जे माफ करेंगे। बाद में कमलनाथ जी ने उसमें संशोधन कर दिया, कोई सभी का नहीं, जो पात्र होंगे केवल उनका किया जाएगा। और इस प्रकार ये एक प्रकार से किसानों के साथ धोखाधड़ी है। वो इस बात का रास्ता देख रहे हैं कि आचार संहिता 1-2 दिन में लग जाए तो कहने को हो जाएगा कि आचार संहिता लग गई इसलिए हम पैसा नहीं डाल पाए, जबकि वास्तव में उनका इंटेंशन नहीं है पैसा देने का। केंद्र की सरकार 6,000 रुपया प्रतिवर्ष के हिसाब से जो छोटे काश्तकार हैं उनको देना चाहती है, उसकी 2,000 की पहली किस्त हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में डल गई। अपने यहाँ से अभी तक किसानों की सूची नहीं भेजी। आज ही कमलनाथ जी का वक्तव्य है कि अभी हम सूची का परीक्षण कर रहे हैं, मतलब ये स्थिति है सरकार के कि जानबूझ के टालने का प्रयास कर रहे हैं। तुम खुद दे नहीं रहे हो और केंद्र की सरकार देना चाहती है तो उसकी सूची नहीं भेज रहे हो और कह रहे हैं हमको केंद्र की जरूरत नहीं, हम दे देंगे। इसी प्रकार युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। युवाओं को कह रहे हैं हम 100 दिन का रोजगार देंगे, प्रशिक्षण किस बात का दिया जाएगा? आपको ढोर चलाने का, मवेशी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब पढ़े लिखे लड़के जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है अब वो पशु चराने जाएंगे। ये स्थिति इन्होंने मजाक बना रखा विषय और किसानों के साथ ये चला हुआ है, और इसलिए इन सब बातों को लेकर आज हम यहाँ पर घेराव करने के लिए आए थे ताकि कलेक्टर के माध्यम से हम किसानों की और आम जनता की सारी बातों को सरकार तक पहुँचा सकें।